अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2023 देने वाले हो दिस वीडियो पर यू, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स और मराठी सब्जेक्ट बाय टॉपर। अब मैंने टॉपर क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद ने भी बोर्ड एग्जाम्स दी थी और मराठी के सब्जेक्ट में 85 प्लस स्कोर किया था 100 में से। अगर आपको चाहिए प्रूफ, ये रहा प्रूफ। अब मैं ये चाहता हूँ आप में से जो भी बच्चा मुझे स्क्रीन के इस साइड से देख रहा है वो भी मेरी तरह मराठी के सब्जेक्ट में 85 प्लस 90 प्लस स्कोर करे। उसके लिए हमें क्या करना होगा वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। प्लस जो जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो आप रिपीट ना करो, वो सब भी मैं बताने वाला हूँ। प्लस हम लोग सेक्शन वाइज देखने वाले हैं कि आपको कौन से सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्लस कौन से सेक्शन के अंदर ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं और कौन से सेक्शन को किस तरह से देखना है और कितना टाइम लेना है। आज की जो वीडियो है ये वन शॉट वीडियो होगी आपके मराठी के पेपर प्रेजेंटेशन प्लस टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो कि मैंने खुद ने यूज़ किया था और मराठी के सब्जेक्ट में 85 प्लस स्कोर किया था। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आपको इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में मिलने वाले हैं। प्लस हमने इंग्लिश के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप जाके देख लेना। और इस वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स का। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, दैट इज अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। अब आपको मराठी के पेपर का फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ के जाना होगा, रट के जाना होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको फॉर्मेट को रट के जाना होगा, तभी आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी, तभी आप अच्छे से मराठी के पेपर को टाइम मैनेज करते हुए सॉल्व कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, डेट इज प्रैक्टिस 2 to 3 पेपर। अब देखो मराठी का पेपर अच्छे से आप तभी लिख पाओगे जब आप ऑलरेडी 2 से 3 पेपर प्रैक्टिस करके जा रहे हो। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप या तो 21 सेट से फॉलो कर लो या फिर नवनीत का या फिर PYQ सॉल्व कर लो। PYQ सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप PYQ उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हो आपकी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन तो तभी हो रही है। प्लस आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से करनी होगी। एंड यस गाइस, आपको अपने हैंडराइटिंग पे काम करना होगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है कुछ फायदा नहीं है, फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने जो लिखा है वो अगर बोर्ड एग्जामिनर को समझ में नहीं आया वो आपको मार्क्स कैसे देगा, भले फिर आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है क्या करें। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है हैंडराइटिंग की, आपको रोज एक पेज लिखना है मराठी की लैंग्वेज में, उसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, प्लस आप फास्ट लिख पाओगे। एंड यस गाइस, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी हैंडराइटिंग की, आपको स्टार्टिंग से ही फास्ट लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, वो स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे लिखेंगे, अपनी हैंडराइटिंग को मेंटेन करेंगे और फिर जब वो लास्ट में आएंगे पेपर के, टाइम नहीं बचेगा लेकिन उनका पेपर बहुत ज़्यादा पेंडिंग होगा और फिर वो लोग एकदम तेज तेज लिखेंगे, उन्होंने जो लिखा है वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा और फिर उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखना होगा। एंड यस गाइस, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। लोग करते क्या है कि क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, वो आधा अधूरा क्वेश्चन समझेंगे और फिर लिख के आ जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, जब तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप आंसर मत लिखना, स्ट्रेस में आके आंसर मत लिखना, क्वेश्चन अच्छे से समझो फिर आंसर लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये जो टिप है ये सभी बच्चों के लिए है। एंड यस गाइस, लास्ट पॉइंट, दैट इज रीड आफ्टर राइटिंग। अब आप समझो, आप सो मत लिख रहे हो, आपको रीड करना है कि आपने कोई वर्ड गलत तो नहीं लिख दिया, प्लस कोई वर्ड छूट तो नहीं गया। बहुत बार हम लोग फ्लो में एक दो वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, उसी वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। और ये एक बोनस टिप है सारे नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए, दैट इज डोंट लूज होप्स। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, वो खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है उनको कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, खासकर महाराष्ट्रियंस भी, वो लोग मराठी में बहुत कम स्कोर करते हैं, दैट इज 45, 50, 55। देखो होप्स को लूज मत करो, अच्छे से मेहनत करो, प्लस टेक्स्ट बुक वगैरह रीड करते रहो। मैंने स्कोर किया है, आप भी स्कोर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं पेपर राइटिंग के ऊपर, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। अब देखो ये जो सेक्शन नंबर 1 है, आपको ऊपर हेडिंग डालनी होगी, दैट इज विभाग 1 गद्य। प्लस आपको हर एक सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करना होगा और फिर क्वेश्चन नंबर 1 अ। अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 अ 1 और फिर ये सब पॉइंट है 1। अब देखो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस दिए हैं आपको सेम टू सेम डिप्टो उसी तरह से लिखना होगा, नहीं तो फिर आपको मार्क्स मिलने के कम चांसेस है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ पे लिख दिया, अ यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, जो भी मेन सब हेडिंग्स है उन सबको आपने इधर लिख दिया और जो भी छोटे मोटे सब हेडिंग्स है उनको आप एक कॉलम बना के यहाँ पे लिख दो। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया 10 मिनट्स रूल तो हटा दिया है, हम लाइन खींचने का तो टाइम नहीं बचेगा। भाई 10 मिनट्स एक्स्ट्रा भी तो दिए हैं और पूरे पेपर में लाइन डालने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर भी लाइन डालने की आदत बना लो। और देखो जब भी आपका सेक्शन एंड होगा आपको 2 लाइन डालनी होगी। अब देखो ये कंपलसरी तो नहीं है बट ये लाइन डालने से बोर्ड एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि सेक्शन एंड हो चुका है और वो आपके मार्क्स को टोटल कर देगा। उसके लिए वो इजी होगा और वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि बंदे ने मेहनत की है पेपर लिखने में और आपको मार्क्स भी दे सकता है वो अच्छे खासे।
प्लस अब हम आ जाते हैं पेपर के ऊपर, दैट इज कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, कितने अच्छे से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। देखो जाना मत कोई भी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक बच्चे के लिए। अब देखो जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपको सबसे पहले तो अपना सीट नंबर डालना है। उससे पहले आपको हर एक पेज को चेक करना है कि कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है या फिर कोई पेज गायब तो नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने सीट नंबर डाल दिया उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। पेपर चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, डैट इज आपको सूचना को अच्छे से पढ़ना होगा, जितने भी सूचना है उन सबको समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और फिर अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको पेन से बनाना है सारी आकृतियों को, तो फिर आपको पेन से ही बनाना है, जो लिखा हुआ है वैसे ही बनाना है। और ये जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं जिस भी शेप के हैं उसी शेप में आपको बनाना होगा। अब देखो विभाग नंबर एक पे आ जाते हैं, डेट इज टेक्स्टुअल पैसेजेस। अब देखो इनके लिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी होगी, प्लस आप करना क्या, ये एक सीक्रेट टिप है टॉपर्स की, डेट इज पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर आप पैराग्राफ पढ़ो। क्योंकि होता क्या है, समझो कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो पहले पैराग्राफ पढ़ेगा फिर क्वेश्चंस पढ़ेगा वापस पैराग्राफ पढ़ेगा, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप आंसर को एक ही बार में मार्क कर पाओगे जैसे मैंने किया है, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। प्लस ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आगे जाकर राइटिंग स्किल ग्रामर में इन सब में अपने को कम टाइम मिलेगा। अगर आप इन्हें जल्दी जल्दी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो आपका ही फायदा है। प्लस कैसे कर पाओगे, टेक्स्ट बुक अभी से रीडिंग चालू कर दो। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सोमत कैसे लिखे, सोमत 3 मार्क्स का आता है लेकिन हमको हाफ 1.5 मार्क्स मिलते हैं, हम लोग सोमत को बहुत अच्छे से कैसे लिख पाए। अब देखो सोमत लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, और टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे रखना है। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए सोमत के लिए। प्लस ये 3 मार्क्स का आता है, आपको आधे से ज्यादा पेज का सोमत लिखना होगा, दैट इज 12 to 15 लाइन्स, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस जो भी वर्ड ऐसा है कि आपको नहीं आता है या फिर आपको जमरा नहीं उसकी काना मात्रा कैसे डालनी है मत डालो, कोई अल्टरनेट वर्ड लिख दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो, भारी वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, दैट इज पद्य। अब पोयम के अंदर आपको सारे पोएम्स को अच्छे से समझ के जाना होगा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या हम पोएम्स को स्किप कर सकते हैं, मैं बोलूँगा मत करके जाओ, पोएम्स को स्किप मत करो। देखो आपको इनको तो सॉल्व करना ही है, ये अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करके जा रहे हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। प्लस ये काव्य सौंदर्य, इसके अंदर आपको प्रस्तावना लिखनी होगी, स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन आता है पोएट का वो आपको लिखना होगा, पोएम के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना होगा। अब हम आ जाते हैं एकदम मेन पॉइंट पे, जिसके बारे में हर एक बच्चे को डाउट है, दैट इज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, क्या ये बॉक्स है, अपने को भी इसी तरह से बॉक्स में लिखना है, नहीं लिखना है। अब देखो मैं आपको एक सीक्रेट टिप बता दूं, दैट इज हमारे जो स्टार्टिंग के 2 पोएम है, दैट इज संतवाणी, उनको आपको अच्छे से करके जाना होगा। हमारे टाइम पे योगी सर्वकाल सुखदाता आया था, आपके टाइम पे फर्स्ट वाला भी आ सकता है, इन दोनों को अच्छे से करके जाना। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा 100% यही आएंगे, बट अच्छे से करके जाना चांसेस हैं। प्लस आपको ये पोएम को स्किप कर सकते हो, देखो फुल्ली स्किप तो किसी भी पोएम को मत करना, उसके जो समानार्थी विरुद्धार्थी ये सब है उनको अच्छे से करके जाना। प्लस बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हमें भी टेबल फॉर्म में लिखना है, नहीं नहीं लिखना है टेबल फॉर्म में, आपको नहीं लिखना है, पहले आपको हेडिंग डालनी है प्लस फिर आपको कंटिन्यू करना है, वापस हेडिंग डालनी है उसके नीचे कंटिन्यू करना है पैराग्राफ टाइप में, उसी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट विभाग पे, दैट इज स्थूल वाचन। अब स्थूल वाचन सबसे ज़्यादा हाइप टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमसे याद ही नहीं होता है या फिर हम लोग कितना भी याद कर लो याद नहीं होता है, लिख नहीं पाते, उसके लिए हम क्या करें। अब देखो ये है व्युत्पत्ति कोष्ठक कार्य, इसको आप पहले समझ लो कि बोला क्या गया है, उसको आप कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर आपसे मराठी में नहीं समझा जा रहा है गूगल पे जाके ट्रांसलेट करो फिर आप समझो, और फिर आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस आपको आधे से ज़्यादा पेज का लिखना होगा हर एक स्थूल वाचन। अब ये N2 है, आपको ये 2 ही लिखना, 3 मत लिखना, उतना टाइम नहीं होता है। प्लस प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से कंसेप्ट समझ के जाओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं विभाग 4 पे, दैट इज ग्रामर। अब देखो ये सबसे ज़्यादा सिंपल सेक्शन है आपके पूरे पेपर का। अब उतना सिंपल टेक्स्टुअल पैसेज भी नहीं है, पोएम भी नहीं है, जितना सिंपल ये है। आपको ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतना सिंपल तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैंने तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ स्कोर किया होगा ग्रामर के अंदर, क्योंकि वो आया ही इतना सिंपल था। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, जितने भी PYQs हैं उनको अच्छे से समझ के जाओ, और प्रैक्टिस पेपर नवनीत इन सबको अच्छे से करके जाना है, आप इजीली फोड़ पाओगे प्लस आप आउट ऑफ स्कोर कर पाओगे। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन सेक्शन पे आपके पूरे पेपर के, दैट इज विभाग नंबर 5 उपयोजित लेखन। अब ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पूरे पेपर का, आपका पूरा पेपर एक तरफ, ये वाला सेक्शन एक तरफ। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि हम लोग पत्र लेखन सॉल्व करें या फिर सारांश लेखन सॉल्व करें, मैं तो बोलूँगा आप पत्र लेखन को सॉल्व करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पत्र लेखन हम 5th, 6th, 7th, 8th से लिखते हुए आ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा यूज्ड हुए हैं पत्र लेखन से। प्लस मैंने विनंती पत्र लिखा था,
क्यों? क्योंकि मुझे वो ज़्यादा सिंपल लगा उस टाइम पे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैट इज जाहिरात, बातमी या फिर कथा लेखन में से कोई दो को सॉल्व करना है। इसके अंदर आप सबसे पहले तो जाहिरात लेखन को ऑप्ट करो। अब क्यों, कैसे लिखना है जाहिरात लेखन को ताकि हम लोग आउट ऑफ स्कोर कर सके? जाहिरात के लिए आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलो, आपके पास जो भी कटआउट्स वगैरह या फिर पैम्पलेट्स आते हैं उनको पढ़ो, वो लोग कम वर्ड्स में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लस जितने भी PYQs हैं उन सबके आप प्रैक्टिस करो। अब इस वाले को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग, आपको प्रैक्टिस करना है, ये होमवर्क है आपका, आपको ये वाली जाहिरात को प्रैक्टिस करना होगा। प्लस ज़्यादा टेंशन लेना मत। अब देखो मैं तो बोलूँ बातमी लेखन मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने उतने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने खुद ने कथा लेखन को ऑप्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुद्दे ऑलरेडी दिए हुए थे, प्लस हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लिखते आ रहे हैं कथा लेखन को, ईजिली लिख पाएंगे, और वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा इस वाले के लिए, जाहिरात प्लस कथा के लिए। आपने कितने अच्छे से लिखा है, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सब आपके पकड़े जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, आपके पूरे पेपर का सबसे मेन क्वेश्चन, जो कि पूरे 8 मार्क्स का, कौन सा निबंध सॉल्व करें। अब देखो वैसे मैं खुद तो वैचारिक निबंध प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन उस टाइम पे मुझे वृक्ष का आत्मकथन ज़्यादा सिंपल लगा। लैंग्वेजेस का पेपर ऐसा ही है, आप क्या प्रिपेयर करके जाओगे उससे उल्टा ही पूछ लेंगे वो लोग बहुत बार, इसलिए टेंशन लेनी नहीं है, हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब मैं आत्मकथन के लिए प्रिपेयर था इसलिए मैं लिख के आ पाया, प्लस मैंने 2 से 3 पेजेस का आत्मकथन लिखा था, उसके अंदर कोट्स पोएम्स ये सब भी डाली थी, उसी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिल पाए। सो यस गाइस, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जम के पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करते रहो, प्लस ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से करना, अपने को पूरे 16 मार्क्स अपने हाथ में चाहिए। और राइटिंग स्किल को गलती से मत भूल जाना, आपको राइटिंग स्किल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। एंड यस गाइस, आप में से जो भी हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, प्लस लाइक जरूर दबा देना। हम आज के इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स का। थैंक यू सो मच।